उज्जैन जिले के इंगोरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय गेहूं खरीदी का शुभारंभ किया गया, जहां पर अब राज्य सरकार के निर्देश के बाद गेहूं की फसल को बेचने के लिए किसान पहुंचे और शासकीय गेहूं खरीदी पर प्रथम दिन ही बड़ी संख्या में कई किसान पहुंचे थे। उज्जैन जिले के बड़नगर इंगोरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय गेहूं खरीदी केंद्र का शुभारंभ किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में पहले दिन में ही किसान अपने गेहूं की फसल लेकर पहुंचे और गेहूं की फसल को बेचा। सरकार की मंशा है किसानों को अनाज मंडी और दूर न जाना पड़े, उसी को लेकर गाँव में शासकीय गेहूँ केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर किसान अपने गेहूँ की फसल को बेच सकते हैं। उसी को लेकर शासकीय गेहूँ खरीदी केंद्रों पर राज्य सरकार के निर्देश के बाद प्रत्येक वर्ष गेहूँ की खरीदारी की जाती है, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान पहुँचते हैं और अपने गेहूँ की फसल को बेचते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। गेहूँ खरीदी केंद्र शुभारम्भ किया गया है, कहाँ पर रहेगा और किस तरह से फायदे होंगे किसानों के लिए? आज से शासन के मंशानुसार समर्थन मूल्य की खरीदी का शुभारम्भ हुआ है और आगामी 5 मई तक चलेगा। तो अपने यहाँ पर रिंगोरिया के अलावा 5 गांव और है, भेसला, रुपायड़ा, पाटियाखेड़ी, झुमकी, इन लोगों की खरीदी होगी। किस प्रकार से शासन के निर्देश के अनुसार व्यवस्थाएं रहेंगी किसानों के लिए और किस प्रकार से अच्छे से खरीदी हो उसको लेकर आप लोग व्यवस्था करेंगे? ये व्यवस्था सारी है, टेंट लगा रखे हैं पानी पीने की या फिर किसानों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था जोड़ रखी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।